अखिल राजस्थान गुजराती समाज गायत्री परिवार समर्पण सेवा समिति के द्वारा आयोजित सेवाओं के लिए काम करने वाली सभी संस्थाओं के सम्मान समारोह में आज हमारे बीच में केंद्र सरकार के संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह जी चौहान, कोटा के विधायक संदीप शर्मा जी, गरोड़ मध्य प्रदेश के विधायक श्री देवीलाल जी, गुजरात से आए श्री निमेश भाई राजू भाई और जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया, श्री जीडी पटेल जी, अशोक माहेश्वरी जी, क्रांति जी, मंच पर विराजे भाजपा के शहर अध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारीगण, मैं सभी संस्था के प्रतिनिधियों को बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने चाहे कोरोना हो चाहे अन्य आपदा हो उस आपदा और संकट के समय लोगों की सेवा करने का काम किया। कोटा हाड़ोती हमेशा यहां के लोग यहां की संस्थाएं मानवीय सेवा का काम करती रहती है। कभी भी कोई आपदा हो संकट हो उस समय सामूहिकता के साथ सबके प्रयासों से हम हर संकट और आपदा चुनौती का मुकाबला करते हैं और ऐसे भी यहां की संस्कृति और संस्कार में ही सेवा का भाव है और ये सेवा का भाव सेवा समृद्धि की संस्कृति की एक समृद्ध गौरवशाली इतिहास भारत का रहा है। जब हम भारत के इतिहास की चर्चा करते हैं तो भारत के इतिहास के अंदर चाहे आजादी के पहले हो चाहे आजादी के बाद हो हमेशा यहां की समृद्ध संस्कृति में आध्यात्मिक और मानवीय सेवा के माध्यम से जनसेवा यहां की संस्कृति में है और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चाहे राजाओं के राज में हो चाहे लोकतंत्र में हो देश में आवश्यकताओं के अनुसार समाज ने सेवा करने का काम किया। आज भी अगर आप भारत में देखेंगे तो राहगीरों के लिए उस समय रात को आवागमन की सुविधा न होती थी तो लोगों ने धर्मशालाएं बनाई और आप भारत में देखेंगे तो सबसे ज्यादा धर्मशालाएं सरकार से कहीं ज्यादा समाज ने बनाई। धर्मशाला हो विद्यालय हो हॉस्पिटल हो अकाल के समय आपदा की स्थिति हो एक लंबी हमारी परंपरा रही है और उस परंपरा के अंदर हमेशा सामूहिक रूप से व्यक्तिशील रूप से
जैसी जिस स्तर पर जैसी आवश्यकता हुई लोगों ने उसी आवश्यकताओं के अनुसार मदद की। और इस विश्वव्यापी कोरोना के संकट के समय हमने आपदा में देखा कि किस तरीके से संपूर्ण देश के अंदर सरकार ने जो अपना काम किया, लेकिन सरकार से आगे समाज ने भी सामूहिकता के साथ काम किया। और इसलिए इतनी बड़ी आपदा, इतनी बड़ी संकट और चुनौती को हम इस सामूहिकता के प्रयास से लड़ पाए। क्योंकि कोरोना विश्वव्यापी में हमने देखा था कि बड़े बड़े विकसित देश जो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत थे, आर्थिक तंत्र से भी मजबूत थे, लेकिन उन विकसित देशों का भी सामाजिक आर्थिक ताना गड़बड़ा गया था। भारत इतनी बड़ी भौगोलिक स्थिति का देश, इतनी बड़ी जनसंख्या का देश, लेकिन उस आपदा संकट को जिस तरीके से सरकार ने प्रयास किया और सरकार के साथ साथ समाज ने प्रयास किया, तो इस चुनौती को हम लड़ पाए। यही हमारे संस्कारों में होना चाहिए कि हम जब भी कोई मानवीय संकट आए, पशु संकट आए, किसी भी तरह का कोई भी संकट आए, तो हमें इसी तरीके से सेवा भाव से काम करना चाहिए। आज उन सब संस्थाओं के पदाधिकारियों को मैं इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा संचार मंत्री जी को जो गुजरात से चलकर यहां पर आए, आप लोगों का उत्साह बढ़ाया, आप लोगों में नई ऊर्जा दी कि सेवा समर्पण की। और यही हमारा उद्देश्य होता है कि जो लोग समाज में काम कर रहे हैं वो और समाज में काम करें, उनके लिए नई ऊर्जा मिले, नई शक्ति मिले, ताकि हर चुनौती का मुकाबला कर सके। मैं इस मौके पर जीडी पटेल जी की, उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, और इसी तरीके से हम सब सामूहिकता के साथ सेवा करते रहें। हमारी संस्कृति में, हमारे विचारों में, हमारे आचारों में, हमारे हर कार्य में मानवीय सेवा ही रहे, ऐसा मैं आग्रह करता हुआ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई।